हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासरूम बच्चावटी। दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल पीआई राहुल। सो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, लेक्चर 7 लेक्चर्स पढ़ चुके। सर आपने तो कहा था 10 लेक्चर में चैप्टर फिनिश कर दोगे। सॉरी बच्चों, ये भी जो है चैप्टर नंबर 1 की तरह ही 15 से 20 लेक्चर्स का जाएगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट यस लेक्चर शॉर्ट हैं इसलिए 15 से 20 लेक्चर जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 40-40 मिनट के हैं, 45 मिनट के हैं। सर वो तो हमें पता है, 40 मिनट के हो या 50 मिनट के हो, टाइम तो उतना ही लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं, तो बच्चों बात करते हैं। 7 लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, हमने पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल सीख लिया, पोटेंशियल ड्यू टू हमने लीनियर चार्ज, रिंग, डिस्क, स्पेयर, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जितने भी पैटर्न थे, सारे पैटर्न हमने सीख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, मैं न जानता हूँ, वो अब मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पोटेंशियल से रिलेटेड होंगे या फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अच्छा सर, तो फिर बीच में ये क्यों आई सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस? इसका रीज़न ये है कि इसका जो है एग्जामिनर नाजायज फ़ायदा उठाता है। सर कैसे? बस ये कंसेप्ट यूज़ करता है, निकालना आपको वापस से पोटेंशियल ही है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको निकालना पोटेंशियल ही होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, या वर्क डन पूछ लेगा, वर्क डन से रिलेटेड चार्ज, फोर्स, जो भी है वो पूछ लेगा, है ना। बट आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, नहीं। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है वो हर जगह आपको एप्लीकेबल मिल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे बोल देगा वो क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेस है और बाकी डेटा दे देगा, बोल देगा वर्क निकालो। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाकी का डेटा बोल देगा पोटेंशियल निकालो, डिस्टेंस निकालो, चार्ज निकालो, कंसेप्ट जरूर यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो रेदर देन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पूछ सकता है या इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, रेदर देन कहीं ना कहीं बहुत रेयर चांसेस है जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो पूछे। ठीक है, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ भी, है ना। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा नहीं है, बस डेफिनेशन का है। ठीक है, बट अगर कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो इसका कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो वेरी वेलकम बैक बच्चों टू माय ऑनलाइन क्लासरूम, और लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो हाँ या ना। चल स्टार्ट करें। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल सरफेस, रेदर देन कोई भी सरफेस हो सकती है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल मतलब पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों आपको नाम से पता लग गया होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रखा है वो आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनके काम के। ठीक है, और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो अब देखें। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीनिंग ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। ऐसी सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट और सेम, कॉन्स्टेंट हो या सेम हो, एट एनी पॉइंट नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? बस इतनी बात आपको मुझे बतानी है, क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या, कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखो, शू खुपच छे ठीक टी टू टी टू खुपच। ओके, अब देखो बच्चों, मान लो कि ये पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो वोल्टेज है या पोटेंशियल है V1। ओके, चल ये पे V2, यहाँ V3 और इस पॉइंट पे है पोटेंशियल V4। अब अगर नॉर्मल सरफेस होती, सुनो,
अगर नॉर्मल सरफेस होती तो ऑल दिस पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. अगर नॉर्मल सरफेस होती, नॉर्मल सरफेस होती तो वी वन अलग होता, वी टू अलग होता, वी थ्री अलग होता और वी फोर अलग होता. ठीक है, ये सब अलग अलग वैल्यू रखते. लेकिन अभी मैंने बोला आपको क्या कि ये किसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इसका मतलब इन चारों पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. जो कहानी है बच्चों समझाने लायक वो ये है, वी वन इजिकल टू वी टू इजिकल टू वी थ्री इजिकल टू वी फोर. अगर इन्फाइनाइट पॉइंट लोगे इस सरफेस पर आप इन्फाइनाइट पॉइंट लोगे तो उन सभी इन्फाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा. चाहे जितने पॉइंट्स निकाल लो इस सरफेस से, आप चाहे जितने पॉइंट्स निकाल लो, हर पॉइंट पर, बात सुनना, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, और जिन सुनो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा और जितना पोटेंशियल होगा वो इस सरफेस का पोटेंशियल. जैसे ना आपको ऐसा बोला जाएगा 50 वोल्ट की एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, 10 वोल्ट की एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. दैट मीन्स वहाँ पर जो पॉइंट, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट. ठीक है, ओके. अब बच्चों सुनो, अगर दो पॉइंट उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे पिकअप करता हूँ, ये कंसेप्ट हुआ आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस का. ठीक है, अब सुनो, लिसन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आपको अच्छे से मालूम पड़ गया, एक तो एक बात कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम. मान लो ये वन पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसका पोटेंशियल माना वी वन और इसका पोटेंशियल माना वी टू. सर आपने तो बोला ये इक्वी पोटेंशियल है, मैंने कहा यार ठीक है, चल बोल दी, ये सरफेस कैसी है, इक्वी पोटेंशियल है. लिसन, अब जादू की बात बताने वाला हूँ. अच्छा, अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, दैट मीन्स वी वन इज इक्वल टू, भाई आपने बोला कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो मैंने वी वन और वी टू को दोनों को इक्वल पुट कर दिया. मैंने क्या, मेरी क्या गलती है, मैंने कहा ठीक है भाई. अच्छा सुनो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जनरल फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. क्लियर है, यही होगा भाई. लेक्चर नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वन से टू पे जा रहा हूँ, तो फाइनल पॉइंट टू, इनिशियल पॉइंट वन, पोटेंशियल डिफरेंस टू का पोटेंशियल माइनस वन का पोटेंशियल, ये तो लिखा है मैंने. लेकिन सर आपने तो बोला वी वन और वी टू बराबर है, ये भी बात सही है, ये कहाँ से आया, इक्वी पोटेंशियल से. ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो. डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो. क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, v2 माइनस v1, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है. तो सेम वैल्यू के जब माइनस होंगे तो क्या बचेगा, जीरो. हाथ में कुछ नहीं आने वाला, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा. वेरी गुड सर, ये तो हमें नई बात पता चली. यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, शून्य. ओह माय गॉड. अच्छा सुनो, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक बात और नहीं पता लगी, क्या, कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है. बहुत बढ़िया. अच्छा वापस लेक्चर नंबर वन पे जाओ, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बोलो, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज क्यू नॉट. पक्का, चल पक्का. इक्विपोटेंशियल सरफेस से ये तो आया आपके पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से दिस वन, इक्वी पोटेंशियल के कंसेप्ट से डेल्टा वी क्या है, जीरो. तो यहाँ पे पुट क्या कर दूँ, जीरो. अब इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन क्या हो गया, जीरो. वर्क डन क्या हो गया, जीरो. यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस से
किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को, चार्ज कोई भी चार्ज ले लो, क्यू चार्ज कोई भी हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ठीक है। किसी भी चार्ज को आप दो पॉइंट्स के बीच में ट्रांसफ़र करवाओगे, हमेशा उसमें वर्क डन कितना होना होगा, जीरो होगा। हमेशा उसमें वर्क डन कितना होने को मांगता है, जीरो होने को मांगता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये कहाँ से आया? इक्वी पोटेंशियल के कंसेप्ट से आया। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वर्क डन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू नालायक से पॉइंट्स ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस विल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या कहती है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा? उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। क्या? कि सर भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना है, मैथमेटिकली जीरो आना है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो ये रही कि वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेक्चर नंबर वन, ठीक है साहब। अब ये बात हो समझ में आ गई, ठीक है। तो ये डेल्टा वी यहाँ से क्या है, जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करो तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो मैथमेटिकली भी ये पॉसिबल है और यहाँ पे भी मैंने थ्योरेटिकली भी आपको बता दिया है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी, और ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। तो हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये करो, सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हो गया पहले बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अब एक और देखना, मजा आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो यार रफ करने का काम बहुत खराब है, ठीक है, सुनो। अब बात कर दो सर, इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन जीरो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करता हूँ, है ना। ये मार्कर की इंक खत्म, नालायक मार्कर। लिसन, वर्क डन क्या है, जीरो। सर आपने क्या किया, वर्क डन को मैंने जीरो पुट कर दिया, ठीक है। लिसन लिसन, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, वर्क डन जीरो, खपच 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 खपच, ठीक है। अब इलेवंथ पे जाओ। सर हमने इलेवंथ पढ़ी कब है, कोई बात नहीं। आप सुनो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपल, वर्क डन क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जीरो कब पॉसिबल है भाई, अगर मैथमेटिकली जाए, अरे रे 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 रे, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन से बोलो, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यही होता है, ठीक है। अब आपने पहले इस्टेब्लिश कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर वन में ही बता दिया कि वर्क डन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर वन में क्या बताया आपने, कि वर्क डन जीरो है, और वर्क डन की डेफिनेशन तो क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इससे मुझे बताओ कि वर्क डन कब जीरो होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं, कुपच एफ डी कॉस
थीटा। यहां से बताओ वर्क डन कब जीरो होगा, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, वर्क डन कब जीरो होगा, जब थीटा कितना हो 90, तो कोस 90, तो कोस 90 किसके इक्वल होता है जीरो। तो इस केस में, इस केस में अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 जीरो होगा, और उसकी वजह से इंप्लाइज दैट वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये आप पढ़ चुके हो 11th में, ठीक है, ये कहानी आप 11th में पढ़ चुके हो। थीटा 90 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थीटा 90 है, इसका मतलब क्या कहानी है, ये देखो फोर्स, ये डी वेक्टर लिया मैंने, ले लो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों किस पर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब आप फोर्स इधर लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सपोज सुनो, मैंने फोर्स लगाया इस दीवार पर इस तरफ, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया। अब अगर ये दीवार ऊपर जाएगी, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होना चाहिए। अगर मैं फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर फोर्स को वर्टिकल अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दोनों कैसे थे। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन जीरो है, ये कब पॉसिबल है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सो इफ ओनली इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कहने की बात यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका वर्क डन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है बच्चों, अब मुद्दे की बात करते हैं। ये मैंने कुछ समझाना था कहानी आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप फोर्स जो लगा रहे हो, अब देखो सुनो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूँ बच्चों, मैं सुनना बात को, कहाँ बनाऊँ यार, यहाँ बना देता हूँ, जगह है क्या, बहुत काफ़ी जगह। सुनो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मान ली कोई भी, ठीक है। अब इस पर मैंने एक पॉइंट वन यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट टू यहाँ लिया, ठीक है। अब अगर मैं चार्ज को मोशन करवाऊँगा तो चार्ज को मोशन कैसे करवा रहा हूँ, इस प्लेन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में। बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस बोर्ड के प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स कैसा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर लगना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब या तो इस तरफ से, या तो बोर्ड के बाहर की तरफ यानी आपकी तरफ आ रहा हो, या फिर फोर्स दीवार के पीछे, इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा हो, तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। भाई देखो, ये पूरा बोर्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ दूसरा पॉइंट लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इस वर्टिकल प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में। अब मुझे फोर्स को क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करना है। वर्क डन जीरो करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है। तो अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो मुझे फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगाना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन या तो ऐसे बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो इस प्लेन से इस तरीके से बाहर आ रहा होगा या फिर उस तरफ अंदर जा रहा होगा, तो इस तरीके से होगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी है, फोर्स की। ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी है, फोर्स की है। तो फोर्स हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और देखो,
फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। तो सुनो, अब अगर फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगेगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। फोर्स अगर इधर अंदर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लगेगा, परपेंडिकुलर ही अंदर की तरफ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अप्लाइड फोर्स की बात करो या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। सो वर्क डन जीरो है। तो सेकंड प्रॉपर्टी मैं अब आपको लिखवाता हूँ, मेन सेकंड प्रॉपर्टी अब आएगी। ये तो बकवास बातें थी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सिंपल, ठीक है। तो कंसेप्ट सिंपल है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बाहर होगी अंदर होगी वो बात की बात है, बट फिर इतनी सी बात ध्यान रखो कि सरफेस, मान लो ये पूरा बोर्ड जो है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे होगा, परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ ये आ रहा है आपकी तरफ, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर अंदर की तरफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, खत्म। तीसरी प्रॉपर्टी सुनो, अब बात सुनो, सुन रहा है तू, सर बोल रहा हूँ मैं, ये ले एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, मतलब ये इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस तरीके से रखी हुई है, बिल्कुल प्लेन। क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। किस पॉइंट पे, मान लो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कट कर रही है। सुनो, सुन रहे हो तो सर, सुन रहे हैं, बोलो आप, बोलो, आपको सुनना ही काम है हमारा। एक और सरफेस मानता हूँ, ये लो, अब सुनना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये रही, क्लियर, और दूसरी इक्विपोटेंशियल, ये देखो, ये जो ब्लू वाली है वो इस तरीके से है, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके, ये ब्लू वाली सरफेस तो ये रही और ये रेड वाली सरफेस कुछ इस तरीके से। देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या कहीं ना कहीं ये दोनों एक सरफेस एक दूसरे को कट कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली कट कर रही है, कहाँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कट कर रही है। अब देखो इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ बाहर की तरफ, ये जो ग्रीन वाली सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है। ब्लू वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ब्लू वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो इन दोनों का कटिंग पॉइंट है या जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इस क्रॉसिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस क्रॉसिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। देखो ब्लू वाली ने कहा तू बाहर जा, सॉरी रेड वाली ने कहा तू बाहर जा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है ब्लू वाली कि तू इधर आ। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया, यहाँ पर एक ही पॉइंट के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गई, एक इधर बोल रहा है इधर जा, एक बोल रहा है इधर जा, एक बोल रही है इधर जा और एक बोल रही है इधर जा। एक पॉइंट है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉसिबल है, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट क्रॉस ईच अदर, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि उनके क्रॉसिंग पॉइंट पर, उनके क्रॉसिंग पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस हो जाएगी सेम पॉइंट के लिए, दो फील्ड लाइंस,
और दो पोटेंशियल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर इसका पॉइंट है, इस वाली सरफेस का पॉइंट है और इस वाली सरफेस का पॉइंट है, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, तो एक पॉइंट के लिए दो पोटेंशियल हो जाएंगे। ठीक है, सो बिकॉज बिकॉज ऑन देयर क्रॉसिंग पॉइंट टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल एग्जिस्ट, पोटेंशियल विल एग्जिस्ट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब भाई इक्वी पोटेंशियल सर्फेस की आप डेफिनेशन क्या बता रहे हो कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो और यहाँ पर तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है उस पर दो पोटेंशियल आ जाएंगे। ठीक है, सेम तो दूर की बात है, वहाँ तो एक ही पॉइंट है और दो दो मान, इधर क्या हो गया 50 वोल्ट, इधर का आ गया 10 वोल्ट। वो बोलेगा भाई तेरे पास कितना पोटेंशियल है, सर मेरे पास 50 वोल्ट भी है, मेरे पास 10 वोल्ट भी है, ऐसा पॉसिबल है क्या सेम पॉइंट हो और दो पोटेंशियल? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा, लॉयल्टी वाली बात है। ठीक है, कॉपी करो तीनों प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपनी इनकी मेन बात बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है वो। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट क्लियर है कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, पर्टिकुलर सरफेस के लिए, मतलब उसी सरफेस के लिए, मान लो उसके सामने दूसरी है उसके बात नहीं करें, किसी एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए उस पर वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो। उस पर वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लीकेबल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर परपेंडिकुलर। क्लियर, चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। काफ़ी फेमस एग्जांपल है, रेदर देन काफ़ी बुक्स में, काफ़ी शीट्स में, काफ़ी नोट्स में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपको सरफेसेस मैंने बनाई हुई है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो चीज़ ये चीज़ समझ चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनका तो रब ही मालिक है। सर ताने मत दिया करो आप। मान लो ये पॉइंट नंबर ए ही है, एंड आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक्स टू डिज़ाइन। अच्छा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कभी भी आप बुरा मत माने। ओके, एंड हियर इज अनदर वन पॉइंट बी, एंड लास्ट पॉइंट सी इज हियर। ओके, नाउ वो आई थिंक बी शुड बी हियर, दैट इज इट। ओके, दिस इज 10 वॉट, दिस इज 20 वॉट, दिस इज 30 वॉट, दिस इज 40 वॉट। ओके, मान लो आपको चार अलग अलग सरफेसेस दी हुई है। ठीक है, हर एक का वोल्टेज आपको दिया हुआ है। इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 10 वॉल्ट। पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 20 वॉल्ट। इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 30 वॉल्ट। और इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 40 वॉल्ट। मुद्दे की बात यह है, आपको क्या निकालना है। मैंने आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। पूरे डायग्राम को देख के क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम ध्यान से बनाओ। ठीक है, मेरे को ये बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपका क्या कहना है, या अगर मैं बोलूं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, ऑन विच पॉइंट, या ऑर्डर द पॉइंट्स according to their electric field,
इंटेंसिटी। देखो क्वेश्चन कर रहे हो पोटेंशियल का और आस्किंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों से ही कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टॉपिक्स अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन हमेशा कंबाइंड बनेंगे, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, उसका भी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल वाला पोर्शन खत्म होने के बाद इंपल्स सीरीज में करवाऊँगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जमाओ कि किस पे कम होगी किस पे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आपको बताना है। एक बार ट्राई करो आप खुद से, बाकी तो मुझे बताना ही है। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई ये दो सरफेस पास पास है। देखो ए पॉइंट के लिए बात करो, सुनो, अगर कोई दो सरफेस पास है तो वहाँ पे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी, इधर भी बाहर निकलेगी, दूर जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा ये तो इस वाली सरफेस से, इस 20 वोल्ट वाली सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना। अब मुझे बताओ सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ठीक है साहब। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा, ये बी पॉइंट का एरिया, ये पर्टिकुलर ये एरिया और बी पॉइंट के लिए ये एरिया, सी पॉइंट के लिए भी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से निकल रही होगी। प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, समझना मुद्दे की बात को। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कौन से पॉइंट के लिए है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी या ऐसा लगता है फील्ड लाइन्स की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है ए पे ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल, खत्म, खेल खत्म। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कहाँ, ए पे, उससे कम बी पे, उससे सबसे कम कहाँ है, सी पे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, उससे कम बी पे और सबसे कम सी पे, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड सी। आपको बस डायग्राम देख के ये पता लगाना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी या फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ क्यों, अरे भाई ये पॉइंट ए जो है ये काफ़ी पास पास है, यहाँ पे देख दो सरफेस के बीच में गैप है, और सी में तो देख काफ़ी ज़्यादा गैप है पोटेंशियल की। और देख ले सबसे बड़ी बात, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। तो सॉरी, इफेक्ट किससे है, डेंसिटी से, ठीक है। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे फील्ड लाइन्स ज़्यादा, सॉरी, जहाँ पे फील्ड लाइन्स की डेंसिटी जहाँ पे वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, अच्छा सा, क्या हो गया, सुनो, एक 1 कूलम का चार्ज है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका वोल्टेज है कितना, 50 वोल्ट। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट, ठीक है। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस नालायक का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। एक 50 वोल्ट की सरफेस है और दूसरी 10 वोल्ट की सरफेस है, मतलब ये कि इस पर अवेलेबल हर पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट। इस पर अवेलेबल हर पॉइंट का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। मान लो कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर इस सरफेस पर
किसी पॉइंट पर एक चार्ज अवेलेबल है Q, मैंने सेंटर पे नहीं बनाया है ना, आप चाहो जहाँ बना सकते हो, यहाँ बना दो कॉर्नर में, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल तो सेम है। तो ये चार्ज है कितना, 1 कूलम का, ठीक है। अब इस चार्ज Q को, इस चार्ज Q को उठा के, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, सर आप मुंबई नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस चार्ज Q को उठा के 10 वोल्ट की इस सरफेस पर, यहाँ पर लेके जाना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ इसको लेके जाना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कितनी डिस्टेंस पर ये दोनों, मान लो ये दोनों सरफेसेस डी डिस्टेंस की डिस्टेंस पे रखी हुई है, बोथ द सरफेसेस आर पार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस डी, देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस डी। ओ माय गॉड, क्या बात कर दी सर, बात बढ़िया। मोनिका तुमको ये डिस्टेंस डी निकालनी है बेटा, ओके मोनिका, ओके श्योर, ठीक है। अच्छा सुनो, मान लो मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, बहुत दोनों सरफेस है तो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, दोनों सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इतना है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया, आपको डिस्टेंस निकालनी है, कोशिश करो। हो गया, अरे भाई सुनो, देखो इक्वी पोटेंशियल, मैंने बोला था ना आपको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सिर्फ नाम यूज़ किया जाएगा, उसका कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं किया जाएगा। देखो उसने बोला सिर्फ कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर अपार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस डी एंड द वोल्टेज आर 50 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली एंड वन चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पुट हियर ऑन 50 वोल्ट एंड इट बी डिस्प्लेस्ड टू सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको ये डिस्टेंस डी निकालनी है। अब बस उसने सिर्फ इतना बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम यूज़ किया, बाकी उसका कोई कंसेप्ट यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। अब देखो, अच्छा सुनो, मुझे क्या मतलब है यार सरफेस से। देखो अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कहाँ काम आ गया, उसने बोला था कि 50 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इस पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो ये V1 मान लेता हूँ, इसका पोटेंशियल भी कितना 50 वोल्ट, यहाँ लेके जाना है, मान लो ये V2 मान लेता हूँ, इसका अच्छा इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि इस पर अवेलेबल हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, इस पर अवेलेबल हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट। यहाँ पे आपका इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट खत्म, यहाँ पे आपका इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट खत्म, अब कोई इक्वी पोटेंशियल का काम नहीं है। अब बाकी आपको जनरल मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है। चलो डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, 10 - 50 इज इक्वल टू माइनस का 40 वोल्ट, क्लियर। ये तो कहानी होगी डेल्टा वी की, ओके। मैथमेटिकली डेल्टा वी क्या होता है, माइनस का वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। वर्क डन आपको पता है नहीं है, डेल्टा वी पता है, चार्ज 1 कूलम पता है, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और होती है बच्चों, ओके, तो यहाँ से वर्क डन कितना जाएगा, माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू, यहाँ से वर्क डन कितना है, ये माइनस इधर चला गया और ये क्यू भी इधर चला गया, तो माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू, ठीक है। चलो ओके, वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिया है, तो वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो फॉर्मूला होता है। अच्छा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है
तो उसका फोर्स कैसा होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये मैंने आपको सिखाया है, याद है? अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। वही सारा काम, Q इंटू ई यहाँ रखो, D पहले से है ही सही, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक और आ गया, क्यू ई इंटू डी। वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ गया यहाँ पे, क्यू इंटू ई इंटू डी। ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, दोनों का आपस में बराबर पुट करो, स्वाहा आ जाओ भाई, माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डी। क्यू ने क्यू को मार डाला। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। आपको डेल्टा वी मालूम पड़ गया कितना है, माइनस 40। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस पता लग जाएगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट करने का काम है अब तो। माइनस का डेल्टा वी कितना निकाला था, माइनस 40, तो माइनस 40। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 100। अच्छा, माइनस माइनस प्लस का 40 अपॉन 100। डिस्टेंस कितनी आ गई, 0.4 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 0.4 मीटर। क्लियर? अब बच्चों ये तो हो गया बच्चा क्वेश्चन, अब यहाँ पे उस क्वेश्चन को टफ कर सकता है वो। कैसे? उसने बोल दिया कि इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से लेके यहाँ जाने में 2×10⁻⁴ सेकंड्स का टाइम लगता है। कितना, 2×10⁻⁴ सेकंड्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 2×10⁻⁴ सेकंड्स का टाइम लगता है। अब अभी क्या है, यहाँ पर रेस्ट में है भाई, अवेलेबल है इस सरफेस पर, तो इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट में है। अभी पहले चार्ज क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो U इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से वो वेराइटी पूछ सकता है आपसे, क्या पूछेगा कि यहाँ जाने पर फाइनल वेलोसिटी बताओ, कितने एक्सीलरेशन के साथ में मोशन करी वो बताओ। सिंपल, तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। अरे तू जा ना रे, तू जा रे। सॉरी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, u जीरो है, ये पूरी टाइम जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, s इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर। s आपने निकाल लिया कितना, 0.4। 1/2 पता है, a निकालना है, t पता है, 2×10⁻⁴। वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। वापस से u जीरो है तो v निकालने के लिए आपको a इंटू टी करना पड़ेगा। a आपको पता लग जाएगा, टाइम आपको गिवन है, वापस v निकाल। तो यहाँ से इस तरीके से वो टफ कर सकता है। ठीक है, देखो कंसेप्ट पढ़ रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चले गए, फिर कहाँ चले गए, इक्वेशन ऑफ मोशन पे चले गए। ठीक है, तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भरोसा नहीं करने का है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, वैसे तो इतने ज़रूरी नहीं है, आपको पता लग ही जाता है, बट फिर भी जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आप गॉसियन सरफेस के पैटर्न बना देते ना, वैसे ही है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट फिर भी बोर्ड वालों ने बोला है तो बता देता हूँ फ़ोन करके मुझे। ठीक है, चलो पैटर्न्स, ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब देखो बच्चों, सीधी सीधी प्यारी सी कहानी है कि, अच्छा सुनिए मेहरबान कदरदान साहिबान, सुनिए, अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है प्लस Q, आप चाहो माइनस Q ले लो, डजंट इफेक्ट। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, सर बाहर की तरफ निकलेगा, कितनी बार बताया है आपको, थैंक यू बेटा, इस तरीके से।
क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लस क्यू चार्ज को सेंटर मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिहाव पर एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इस सर्कल की हर सरफेस पर, हर पॉइंट पर, यहाँ ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे जो पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ये आर वन वन। ठीक है, और सर एक चार्ज के लिए क्या एक ही नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में इक्विपोटेंशियल, ये लो आर टू। ठीक है, तो जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनेगी फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ले लो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। सुनो सुनो मुद्दे की बात, मान लो ये दो पॉइंट अलग अलग है, ये वी वन अलग है, ये वी टू अलग है, तो इन दोनों पर पॉइंट्स जो है वो, इन दोनों पर जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यार ये सरफेस अलग हो गई, ये सरफेस अलग हो गई। लेकिन अगर यहाँ इसी सरफेस पर एक और कोई पॉइंट है, पॉइंट नंबर थ्री, तो ये दोनों पोटेंशियल तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि ये तो सेम सरफेस पे आ गया ना यार, ये वाले पॉइंट तो क्या हो गए, सेम सरफेस पे आ गए, पर ये वाला पॉइंट अलग सरफेस पे चला गया। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात, कई बार आपके लीनियर चार्ज अवेलेबल हो, वायर मान लो, कोई आपके वायर अवेलेबल हो, जान पहचान का कोई वायर है, ये लो टी। अब इस पर कॉन्सेंट्रिक, इस पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसकी रेडियस आर वन। अब जैसे यहाँ पे माना, लेकिन ध्यान रखना कि सभी की जो एक्सिस है वो सेम है, ध्यान रखना। फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर, आर कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब हर की, अब जब देखो इस सिलेंडर पर ये पॉइंट लो और ये पॉइंट लो, इन दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर ये तीसरा पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग सरफेस और ये बड़ी वाली सरफेस अलग है यार। ठीक है, और वैसे भी बात है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, और r2 इज ग्रेटर देन r1, और आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। आपको ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। अगर मान लो पैरेलल कोई प्लेट शीट है, शीट मान लो, कोई प्लेट मान लो, ठीक है, ये प्लेट मान ली मैंने, ठीक है, तो इस प्लेट की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी कुछ, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल लाइंस फॉर अ प्लेट, किसी प्लेट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी,
पैरेलल प्लेट की तरह होगी। तो आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं इन तीनों ड्राइंग को। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है? आपको अच्छा से अंदाज़ा लग रहा है कि यार अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी वैसे वैसे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कंबाइन करके मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली। लीनियर है तो उसकी कुछ इस तरीके से, ये सब गॉसियन वाला काम है, ये सब गॉसियन सरफेस वाला काम है जो आपने बनाना सीखा था, याद है? इसके लिए भी ऐसा आया था, इसके लिए भी ऐसा आया था। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों आज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगले दो लेक्चर तक हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड कई खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होने के बाद में मैं अब आपको सारे इम्पल्स सीरीज का जो भी अभी तक पढ़ा है उन सब का एक कंबाइंड इम्पल्स सीरीज के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इम्पल्स सीरीज में, ठीक है? उसके बाद मैं कैपेसिटेंस पे जाऊंगा, क्योंकि अभी तक का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल सेपरेट पोर्शन है। तो इस दो लेक्चर के बाद में आपको इम्पल्स सीरीज मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।